कृपया ध्यान से देखिए, सुनिए और सोचिए। पूछिए अपने आप से ये सवाल, क्या आपकी इंग्लिश कमजोर है? क्या आप बदलते समय के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी जॉब या करियर चाहते हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? यदि इन सवालों के जवाब हाँ में है, तो ये कोर्स आपकी पहली जरूरत है। बारमाटे सर्स स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश सीखे, जिंदगी बदले। हम वादा करते हैं आप इंग्लिश बोलेंगे। बैचेस टाइम सुबह 8 से 9 बजे, शाम 5 से 6 बजे। बैचेस अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वी आल्सो टीच केमिस्ट्री 11th एंड 12th, CBSE एंड MP बोर्ड। हमारा पता है क्रिसेंट एकेडमी, उत्कृष्ट विद्यालय मैदान के सामने, बालाघाट। संपर्क करें 9424466994। अपने सपनों को आकार देने के लिए हमसे जुड़िए। Don't wait. New batches are started. Join us now. गोंदिया, बालाघाट और जबलपुर ब्रॉडगेज लाइन के मध्य मालगाड़ियों का संचालन शुरू होने के बाद सरेखा रेलवे फाटक पर जाम की स्थिति निर्मित होना आम बात हो गई है, जहां पर रोजाना लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को रेलवे के कार्यपालन यंत्री और PWD के इंजीनियरों ने संयुक्त तौर पर ब्रिज निर्माण की बाधा को दूर करने सर्वे किया। इस दौरान दोनों ही विभाग के इंजीनियरों ने ब्रिज की चौड़ाई और लंबाई के साथ ही अंडरपासिंग को लेकर लंबे समय तक चर्चा की, साथ ही ब्रिज के नक्शे के अनुसार जमीन का नापजोक भी किया। इस दौरान भाजपा के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर भी सर्वे दल के साथ मौके पर मौजूद रहे। लोक निर्माण विभाग के SDO अर्जुन सनोड़िया ने चर्चा में बताया कि रेलवे के साथ में संयुक्त तौर पर आज फाइनल सर्वे किया गया। PWD विभाग की ओर से ड्राइंग बन चुका है, उसकी स्वीकृति और इस्टीमेट भी जारी हो चुका है। जल्द ही तकनीकी स्वीकृति मिल जाएगी। सभी प्रकार के इस्टीमेट आ जाने के बाद प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल जाएगी। PWD विभाग से हमारा ड्राइंग बन चुका है, उसकी स्वीकृति हमारे इसी हिसाब से हो चुकी है, उसका एस्टीमेट भी हमारा सबमिट हो चुका है। तकनीकी स्वीकृति हमारी जल्दी जारी हो रही है और सारे एस्टीमेट्स आने के बाद में प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी हो जाएगी। उम्मीद कर सकते हैं सर कब तक इसका प्राइमरी वर्क शुरू हो जाएगा? नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा ये बिल्कुल है, क्योंकि अभी यहाँ से एक ऐसा चल रहा है, ये गौरव पथ आता है, यहाँ आके डेड एंड हो जाता है, रुक जाता है। यहाँ से भी एक सब्वे बना के देना का चाह रहा था कि गौरव पथ का भी उपयोग हो जाए और यहाँ से सीधा ट्रैफिक चला जाए। इसी तरह सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण एक बहुप्रतीक्षित मांग है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि इसे लेकर संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि रेलपात के ऊपर का डिजाइन चूंकि रेलवे की ओर से फाइनल किया जाता है, इसी को लेकर आज का यह सर्वे किया गया। देखिए, ये हमारे नगर की सबसे बहुप्रतीक्षित मांग है, इसको लेकर हमारे जनप्रतिनिधि बहुत संवेदनशील हैं। लगातार हमारे विधायक आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, सांसद आदरणीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी इस मामले को लेकर सजग हैं, सक्रिय हैं, और इसीलिए आज रेलवे इंजीनियर आदरणीय मिश्रा जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो नैनपुर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हैं, और हमारे SK मिश्रा जी, साथ में हमारे ब्रिज के भी सनोडिया जी जो इंजीनियर हैं वो भी साथ में। चूँकि सेंटर का जो मामला होता है, रेल पाथ के ऊपर का जो ब्रिज होता है, उसका डिज़ाइन रेलवे विभाग फाइनल करता है, तो उसके डिज़ाइन फाइनल करने के लिए वो आज पहुँचे हैं, और इसके बाद जल्द ही ये जब डिज़ाइन फाइनल हो जाएगा तो फाइनल एस्टीमेट बन के इसकी प्रशासकीय स्वीकृति होकर ये बजट इसके लिए पारित हो चुका है, प्रशासकीय स्वीकृति होकर ये टेंडर की प्रक्रिया में आ जाएगा। गौरतलब है कि इस ब्रॉडगेज लाइन पर मालगाड़ियों की संख्या में इजाफा होने से इलाके के लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है, और ब्रिज के अभाव में आए दिन जाम की समस्या निर्मित हो जाती है। ऐसे में यदि जल्द ही ओवर ब्रिज निर्माण नहीं होता है तो लोगों की परेशानी और अधिक बढ़ सकती है। इसी को लेकर लगातार जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग मिलकर इस लाइन पर मौजूद रेल फाटकों पर ब्रिज निर्माण की तकनीकी स्वीकृति के लिए जुट गए हैं। भटेरा से वैध रॉयल्टी पर ट्रैक्टर से रेत का परिवहन कर रहे विष्णु चाकपाक के साथ प्रवीण ठाकुर और अन्य लोगों के द्वारा रास्ता रोककर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में घायल विष्णु चाकपाक को कुछ लोगों ने घायल अवस्था में ही थाने लाया और शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली है।
बताया गया कि भटेरा निवासी विष्णु चाकपाक अपने भाई धर्मेंद्र चाकपाक के साथ ट्रैक्टर में रॉयल्टी के साथ रेत लेकर जा रहा था, जिसे पहले मोतीनगर चौक में रोका गया। इसके बाद नर्मदा नगर शिव मंदिर के पास पहुंचकर प्रवीण ठाकुर ने मोटरसाइकिल से धक्का देकर विष्णु को गिरा दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव कर घायल को सीधे थाने लेकर पहुंच गए, जहां प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले आरोपी प्रवीण ठाकुर और अन्य का संबंध बांदा कंपनी से है। मजदूर शेड में मूलभूत सुविधाओं को लेकर लंबे समय से बाट जोह रहे मजदूरों ने आज वैनगंगा यूनियन के बैनर तले ढोल बाजे के साथ रैली निकाली। यह रैली सुभाष चौक से मेन रोड होते हुए नगरपालिका कार्यालय पहुंची, जहां पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मठसेनिया से भेंट करते हुए वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने वादे के मुताबिक अतिशीघ्र कार्य पूरा किए जाने की मांग की। इस दौरान उनके साथ हमाल संगठन मालवाहक संगठन के पदाधिकारी संतोष गायधाने, अन्नू ठाकुर, सत्यम वाघे, कोमल मराठे, चंद्रेश सेंगर सहित अन्य मौजूद रहे। पहले से शेड बना हुआ था मजदूरों के लिए, उस शेड को इन्होंने उपयोग के लिए कहा था कि मजदूर उसका उपयोग कर सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं बारिश में, गर्मी में, धूप में, परंतु वो इतना जर्जर है और सुरक्षित भी नहीं है। हम लंबे समय से मांग कर रहे थे कि वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करवाए प्रशासन, वो जर्जर शेड का निर्माण कराए, वहाँ पर कायदा जारी लगा के उसको व्यवस्थित करे, ताकि जो है उपद्रवीय आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व जो रात में इकट्ठा हो जाते हैं वो ना हो सके। साथ में हमारी जो महिला मजदूर आती है उनके शौचालय की और उनकी पानी की व्यवस्था के लिए बहुत समस्या थी, उसको लेकर हमने बात की। हमें लगातार नगर पालिका द्वारा आश्वासन दिया जा रहा था कि जल्दी काम कर दिया जाए। पूर्व में हमें जानकारी दी गई कि उसका काम वर्क ऑर्डर निकाल दिया गया, किसी को ठेका दे दिया गया, पर 3 महीने से उस ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया। जब भी हमने हमारे मजदूर साथियों ने चर्चा करने का प्रयास किया तो नगर पालिका से और ठेकेदार से हमें यही आश्वासन दिया है कि भाई कल या 2 दिन में या 3 दिन में काम चालू हो जाएगा, परंतु लंबे समय से काम चालू नहीं होने के कारण आज हम यहाँ पर नगर पालिका को जगाने आए थे। हमने जो है ढोल बाजे के माध्यम से हमारे मजदूर साथियों के साथ यहाँ पर सुभाष चौक से होते हुए नगर पालिका पहुँचे। हमने माननीय CMO महोदय को इस बात से अवगत कराया कि काम अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। हमने CMO महोदय से निवेदन किया था कि आज आप एक तारीख तय कर दीजिए कि किस तारीख से काम शुरू होगा, तो हम यहाँ से शांतिपूर्वक चले जाएंगे, वरना हमारा धरना यहाँ चालू है। इधर इस मामले पर नगरपालिका CMO ने बताया कि मजदूर शेड में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उनके द्वारा वर्क ऑर्डर जारी किया जा चुका है, किंतु ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया, इसीलिए आज मजदूर यूनियन की मांग पर अन्य ठेकेदार को कार्य सौंप दिया गया, जिसका कार्य सोमवार से शुरू हो जाएगा। हुआ तो वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो उसको रिपेयरिंग हो जाए और बैठने के लिए अलग अलग मेल फीमेल के अलग अलग पोर्शन हो जाए, पानी के पीने की व्यवस्था हो जाए और साथ ही साथ शौचालय की व्यवस्था, तो इसी को लेकर वो यहाँ पे पूर्व में 2 महीने से पहले भी आए थे, लेकिन जिस ठेकेदार को हमने वर्क ऑर्डर जारी किया था उन ठेकेदार साहब ने उस कार्य को नहीं किया, तो आज हमने उनकी मांग पर दूसरे ठेकेदार को इस कार्य को दे रहे हैं, तो जो कि सोमवार से इस कार्य को करना चालू कर देंगे। बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन और CEO जिला पंचायत विवेक कुमार के मार्गदर्शन में आज 16 सितंबर को वैनगंगा नदी के तट और शंकरघाट में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत अभियान चलाकर सफाई की गई। इस दौरान नगरपालिका CMO सतीश मठसेनिया, CEO जनपद पंचायत गायत्री कुमार सारथी, नोडल अधिकारी विकास रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। स्वच्छता पखवाड़ा के इस अभियान के तहत प्लास्टिक के पात्र, पन्नियां और अन्य गंदगी को दूर करने अधिकारियों ने भी स्वयंसेवकों के साथ श्रमदान किया। बताया गया कि इस पखवाड़े के अंतर्गत ऐसे परिसर जो पुरातत्व एवं संस्कृति से जुड़े हैं या फिर पर्यटन का क्षेत्र है, उनमें सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाना है। इसी के तहत आज विसर्जन कुंड और शंकर घाट के आसपास से भारी मात्रा में प्लास्टिक, थर्माकोल आदि को एकत्रित कर उसका निपटान किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय CM साहब, उसी तारतम्य में हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा सभी अधिकारियों को, विशेषकर नगर पालिकाओं के आदेश दिए गए हैं कि शहर एकदम स्वच्छ होना चाहिए और स्वच्छता की वजह से शहर सुंदर भी लगना चाहिए, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है, तो इसी के संबंध में हम लोग शहर के जो मेन स्पॉट्स हैं उनको हम सबसे पहले
श्रमदान के माध्यम से नगरपालिका की टीम के जो कर्मचारी हैं, जो कि ऑफिस का स्टाफ है लगभग 200 लोगों का, इनको ले जाकर हम लोग श्रमदान कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने शंकर घाट को साफ किया 14 तारीख को, और आज सफाई इसी पखवाड़ा के संबंध में हम लोगों ने जो अपना गर्रा पुल है उसके नीचे जो गणेश चतुर्थी दुर्गा विसर्जन जो कुंड में होता है, तो उस एरिया को हमने जनपद पंचायत सीओ साहब के साथ में और साथ साथ ही साथ जनपरिषद अभियान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इन लोगों को साथ में लेकर वहाँ पर स्वच्छता की पहल को अंजाम दिया और लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयं श्रमदान किया और वहाँ की पूरी साफ सफाई की। बैहर में आगामी 22 सितंबर को आयोजित होने वाले विशाल ट्रैक्टर रैली के आयोजन को संघ ने स्थगित कर दिया है। जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते यह निर्णय लिया गया। जल्द ही अब इस विषय पर नए सिरे से बैठक बुलाकर नवीन तिथि का ऐलान किया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को किसान ट्रैक्टर संघ पदाधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें संघ के अध्यक्ष सूरज ब्रह्मे, संरक्षक FS कमलेश सहित अन्य पदाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। ट्रैक्टर किसान ट्रैक्टर संघ की ओर से जो घोषणा की गई थी, हम सफल होते, एक भव्य रैली का कार्यक्रम होता, आम सभा में भी कम से कम 5 से 10 हजार लोग आने की संभावना थी, लेकिन ये वर्षा, निरंतर वर्षा के कारण इसका समय बढ़ा दिया गया है और बहुत जल्द हम बैठक करके ये तय करेंगे कि आगामी कार्यक्रम हमको कब करना है। जय हिंद, जय भारत।